अजीज तलबा, इससे पहले हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले चंद नमकियात के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम मज़ीद चंद नमकियात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। नंबर एक, धोने का सोडा। इसका कीमियाई नाम सोडियम कार्बोनेट है, ज़ाब्ता Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट पानी में हल पजीर सोडियम का नमक है। ये कलमी ठोस होता है। हवा में रखने पर इसमें मौजूद आब कलमाव खारिज हो जाते हैं और इसका सफ़ेद सफूफ हासिल होता है। इसे धोने का सोडा कहते हैं। आम तौर पर इसका इस्तेमाल पानी की कसाफत दूर करने और कपड़े धोने के लिए किया जाता है। ये असासी खासियत रखता है। नंबर दो, आबे कलमाव। अजीज़ तलबा, अभी ऊपर हमने आबे कलमाव का ज़िक्र किया, अब हम देखेंगे कि आबे कलमाव किसे कहते हैं। मुख्तलिफ मुरक्कबात में कलमों के शक्ल में शामिल होने वाले पानी के सालमात को आब कलमाव कहते हैं। मसलन फिटकरी, बोरेक्स, इप्सम सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड वगैरह। इन मुरक्कबात में मौजूद 24H2O, 10H2O, 7H2O, 2H2O पानी के सालमात की मौजूदगी आब कलमाव को जाहिर करती है। नंबर तीन, मुसफ़ा डिटर्जेंट। मुसफ़ा के मायनी साफ करने और मैल निकालने के है, इसलिए साफ करने वाली मैल निकालने वाली शय को मुसफ़ा कहते हैं। शिकाकाई, रेठे, साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने के सफूफ, माय साबुन, शैम्पू, ये सब मुसफ़ा है। अजीज़ तलबा, साबुन भी एक मुसफ़ा है। साबुन सोडियम या पोटाशियम के नमक होते हैं, यानी नबाती तेल या हैवानी चर्बी को सोडियम या पोटाशियम के साथ जोश दिया जाता है, जिसके नतीजे में साबुन तैयार होते हैं। नहाने का साबुन मुलायम और नरम होता है। ये पोटाशियम का नमक होता है, जबकि कपड़े धोने का साबुन सख्त होता है और ये सोडियम का नमक होता है।